उसकी से जांच हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? और रात 8 बजे आज जिस मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत गंभीर मसला है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ रात 8 बजे जुड़ेंगे जी राजस्थान पर, क्योंकि देश के अन्नदाताओं को लेकर है। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे थे, और राजस्थान के एक प्रोविडेंट बीजेपी के नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी आज धरने पर थे। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते पहुंचे थे, बाद में ये कहा जा रहा कि उनको गाड़ी में भरकर एक तरह से हिरासत में लेकर बाद में छोड़ भी दिया गया। लेकिन मसला राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी या पहुँचने का नहीं है, राकेश टिकैत के पहुँचने का नहीं है। मसला ये है कि एक किसान की जमीन बैंकों द्वारा नीलाम की जा रही है। सरकारें इस देश में दावा करती हैं कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों को वोट बैंक के तौर पर देखती हैं। लेकिन आज ये जो खबर सामने आई कि एक किसान की बड़ी जो जमीन है उसको नीलाम करने की तैयारी कर ली गई है, शायद नीलामी हुई भी, और जैसे ये खबर मिली आग की तरफ फैली, तमाम नेता वहां पर पहुंच गए, क्यों उसके बाद सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर दी। क्या कर्ज माफी के दौर में और जिस वक्त किसान कर्जे से परेशान है, फसल में कोई भी फायदा नहीं हो रहा, लोग खेती से दूर होते जा रहे, अन्नदाताओं को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं राजनीति होती हैं, कभी 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, कभी चुनाव आते हैं तो ये कह दिया जाता है कि 10 दिन में पहला सिग्नेचर किसानों की कर्ज माफी पर ही किया जाएगा, और किसान बेचारे भोले भाले जो किसान हमारे हैं, जो अन्नदाता है, वो सरकारों के इस मोह पास में फंस जाते हैं और उसके बाद वोट कर देते हैं और सरकारें बन जाती हैं। लेकिन सरकारें बनते ही आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सरकारें उसके बाद भूल जाती है किसानों के लिए हमने क्या कमिटमेंट किया था, क्या वादे किए थे। सहकारी बैंकों का राजस्थान में कर्जा माफ जरूर हुआ है, लेकिन पूरा अभी भी होना बाकी है। गहलोत सरकार ने एक गाइडलाइन तय कर दी कि 2 लाख तक के किसानों का जिनके ऋण है उनके माफ किए जाएंगे, लेकिन वो अभी मेरे पास डाटा है, आज मैं उस पर अपना राजनीतिक रण भी लेकर आऊंगा इसी किसानों के मसले पर, और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग उसको जब अपलोड होगा यूट्यूब पर, फेसबुक पर जी राजस्थान के, तो आप लोग देखिएगा, और मैं कई राज्यों का डाटा लेकर उसमें आऊंगा। यूपी में कितने किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, राजस्थान में कितने किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, कौन से बैंकों के हुए हैं, कितना कमिटमेंट किया गया था उसमें कितना होना बाकी है, कितने साल सरकारों के बीत गए लेकिन सुध नहीं ली गई है, कितने किसानों की मौत इस दरमियान हुई है, और अब बैंकों से क्या फिर से कर्जा चढ़ने की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है, मोदी सरकार ने साफ कहा है कि हम किसानों की कर्ज माफी के पक्ष में तो नहीं हैं और ना ही हम कभी ऐसी घोषणा करेंगे। हाँ, किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर हम जरूर काम कर रहे हैं और उस पर हम काम करते रहेंगे। जो राज्य या जो सरकारें अपने तरफ से अगर अनाउंस करती हैं कि वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे तो उसमें केंद्र सरकार एक पैसा नहीं देगी, चाहे वो बीजेपी शासित हो चाहे कोई और दूसरे पार्टी की सत्ता किसी राज्य में हो। वो अपने बलबूते पैसा इकट्ठा करें, कर्ज लें, जो मर्जी सो करें, किसानों को राहत अगर पहुंचाने की बात करें, कर्ज माफी के तौर पर करें, लेकिन केंद्र से उम्मीद ना करें, क्योंकि केंद्र कर्ज माफी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। केंद्र सिर्फ और सिर्फ ये विश्वास करती है कि किसानों का किसी तरीके से आय दोगुनी हो जाए और वो कर्जे वाले कुचक्र से बाहर निकल जाए। क्या ये निकल पाएंगे? अच्छा, इस मसले पर मैं आऊंगा। आप लोग बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। रीट को लेकर सवाल किसी ने पूछा है, रीट पर भी मैं आपको बता दूं कि आज भजन लाल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। रीट मामले में जो 31,000 पदों को लेकर भर्तियां जो होने वाली हैं उनको लेकर जब एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया गया था, रीट की परीक्षा करवाई गई थी, उसमें पेपर लीक को लेकर सबसे बड़ा नाम इसी का आया था कि इसने पूरी तरीके से पेपर खरीद कर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। 30-40 में खरीदा था, 30-40 लाख में, उसके बाद 15-20 लाख में इसने कई लोगों को बेचा था, और जब से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद ये फरार चल रहा था। आज गुजरात से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 4 महीने यूपी की धूल फांकने के बाद, खाक छानने के बाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई जगहों की खाक छानने के बाद दिल्ली तक आई थी एसओजी की टीम। उसके बाद लोकेशन मिली कि भाई भजन लाल जो इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वो गुजरात में है, गुजरात में इसको दबोच लिया गया। उससे भी बड़ा सवाल ये बनता है कि भजन लाल अगर 40 लाख में पेपर खरीद सकता है, खरीदा तभी तो जब किसी ने बेचने की कोशिश की, कोई वहां पर ऐसा था जिम्मेदार जो पैसे के लालच में अपने ही विभाग और बच्चों के भविष्य से गद्दारी कर रहा था। अब ये जांच की आंच वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये भजन लाल के बयान पर पूरा डिपेंड रहेगा। इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भजन लाल जो उगलता है उसके बाद ये जांच और कहां तक, किसके किसके गिरबान तक पहुंच गई। ठीक है, अब इस पर मैं आता हूं जो आज बेरोजगारों के मसले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खबर ये है कि आज दरअसल बेरोजगारों की एक टीम किरोड़ी लाल मीणा से तो मिली ही थी, लेकिन साथ ही साथ RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल से भी मिलने पहुंची थी, उनको ज्ञापन सौंपा गया था।
बीजेपी ने तो कहा है, हमने तो जुमला फेंका था, सरकार कैसे किसानों की ज़मीन छीन रही है, आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान। देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सबको रीड करूंगा जैसे ही ये लाइव सेशन एंड में जाता है तब। लेकिन हाँ, ये खबर आई है कि अब युवाओं को आरएलपी संयोजक से एक बड़ी उम्मीद है और उनको लग रहा है कि दबाव चौतरफा बनाने के बावजूद अगर उनकी बातों को नहीं सुना गया है, उनकी बातों को अनसुना किया गया है। और ये वो भी युवा थे जिनमें रीट से लेकर कांस्टेबल भर्ती 2018 के भी बच्चे थे इसमें, और एनम जेएनएम 2013 वाले भी थे। हालांकि अब तो जेएएन की भर्तियां निकाल दी गई हैं, तो मुझे लगता है कि उस मामले में अब मामला ठंडा हो चुका है। लेकिन जो बच्चे इस वक्त वहाँ पर बैठे हैं, उनकी तरफ से ज़रूर ये एक ज्ञापन सौंपा गया है कि आप सरकार से आग्रह करिए, वरना आप कोई ऐसा कदम उठाइए जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं अगर किसी से संपर्क हो पाता है तो मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि इस पूरे मामले पर अब आगे क्या हो सकता है। खेल तो बड़ा होने जा रहा है और ये पिछले 4 महीने से खेल चल ही रहा है, आपने देखा। लेकिन फिलहाल आज के ज्ञापन को लेकर या आज जो सीएम हाउस का घेराव किया गया था उस पूरे मामले पर, क्या अब लगता है कि भजनलाल की गिरफ्तारी के बाद या इस पूरे मामले पर जिन नेताओं को ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो कुछ कर पाएंगे या महज ये राजनीति है? कुछ देर के लिए मैं जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आता हूँ इस पर, तो फिर बातचीत करूंगा आप लोगों से। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको साझा करिएगा, मुझे अर्जेंट अभी जाना पड़ रहा है इसलिए मैं सेशन को ये ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोगों की बातों को मैं रीड करके उसके बाद दोबारा आप लोगों से जुड़ूंगा इसी मसले पर, क्योंकि ये बहुत छोटा सेशन था, अभी बात मेरी पूरी हो नहीं पाई है। और 6 बजे मेरे साथ, ये ज़रूर कहूँगा 6 बजे मेरे साथ जुड़िए जी राजस्थान पर। और इसके अलावा 8 बजे आज किसानों की जो ज़मीन नीलाम की बात सामने आई है, जिस पर आज पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, और क्या ऐसी वजह है कि बैंकों की तरफ से नीलामी का अनाउंसमेंट किया गया है और कर्ज माफ़ी की भी बात कही गई थी, उसके बावजूद पेच कहाँ फंसा है, कितना कर्जा था, कितने एकड़ ज़मीन वाले किसानों का ये नीलाम की प्रक्रिया शुरू की गई है और इसको क्या रोका जाएगा, इस पर कई सवाल हैं जिनको लेकर आने वाले वक्त में आप लोगों से रूबरू होऊंगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आप सभी का धन्यवाद और इसको शेयर ज़रूर करिए। हाँ, पूरा नहीं हुआ है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस सेशन को पार्ट 2 में आगे बढ़ाएंगे जैसे मौका मिलता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा और हनुमान बेनीवाल सहित किरोड़ीलाल मीणा सहित किसानों की इस कर्ज माफी और जमीन नीलामी से लेकर सब पर बात करेंगे कम से कम 15 मिनट का वक्त देकर। धन्यवाद आप सभी का।